उज्जैन के मालनवासा स्थित बाल सुधार गृह में रात को चौकीदार और होमगार्ड की आंखों में मिर्ची झोंक कर 6 बालक भाग निकले। पुलिस ने रात में ही सर्चिंग अभियान चलाया और 3 बालकों को पकड़ भी लिया है। सभी किशोर अलग अलग अपराध में संलग्न होने के कारण किशोर न्यायालय बोर्ड के आदेश पर बाल सुधार गृह में रखे गए थे, तो वहीं 3 बालक अब भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश करा रही है। घटना शुक्रवार रात की है, जहां देवास जिले के 6 बच्चों ने सुधार गृह के चौकीदार शंकर राव और होमगार्ड के जवान को पकड़ा और आंख में मिर्ची झोंक कर ताला खोलकर फरार हो गए। घटना की सूचना तत्काल ही पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस बल द्वारा रात को ही सर्चिंग अभियान चलाया गया। जहां बता दें कि किशोर सुधार गृह में रखे गए बच्चों को नियमानुसार रात को 10 बजे लघु शंका के लिए अनुमति दी जाती है। इसी क्रम में रात को बच्चों को लघु शंका के लिए छोड़ दिया गया था, तभी सभी ने एकमत होकर चौकीदार और होमगार्ड के जवान को पकड़ा, आंखों में मिर्ची डाली और जेब से चाबी निकालने के बाद ताला खोलकर फरार हो गए। किशोर सुधार गृह से बच्चों के भागने की खबर से विभाग में हड़कंप मच गया। चौकीदार शंकर राव और होमगार्ड ने इसकी जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और रात्रि के समय गश्त में तैनात पुलिस बल के साथ डायल 100 को बच्चों की तलाशी में लगा दिया गया। इस दौरान शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे डायल 100 ने देवास रोड स्थित दताना मताना के सुनसान इलाकों में 2 बच्चों को रिकवर कर लिया और इसके अलावा 1 बच्चों को देवास के उसके घर से पकड़ के लाए हैं और यहां पर बच्चा सीधे अपने घर पहुंच गया था। मामले में नागझिरी थाने में प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है। पुलिस शेष 3 बच्चों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। जो है 6 बच्चे भागने की जो है बात सामने जी हाँ, बाल संप्रेक्षण गृह से बच्चे भागने की सूचना प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से बहुत गंभीर चूक है ये। पहले भी एक प्रकार की घटना हुई थी और जो भी वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम होंगे उनको हम लोग तत्काल ही जो है पुलिस के माध्यम से इसको रिव्यू कराएंगे और उसमें जो भी चेंजेस होंगे तत्काल एक दो दिनों में कराए जाएंगे। मालनवासा में जो बाल सुधार गृह है वहाँ से कुछ बच्चों को भागने की जानकारी, क्या पूरा मामला और किन मामलों में बंद किया? कल रात में मालनवासा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से 6 बाल अपचारीगण वहाँ के गार्ड की आंखों में मिर्ची डाल करके वहाँ से फरार हो गए, जिसमें पुलिस रात से ही एक्टिव हो गई। हम लोगों ने उनकी सर्चिंग की तो रात में ही 2 अपचारी बालकों को हमने उसमें दस्तयाब कर लिया, खोज लिया है और 1 बालक को सवेरे हमने खोज लिया। बाकी 3 बालक अभी भी कस्टडी से बाहर है, तो उनके लिए भी विशेष टीमें लगाई गई हैं और वो सभी बालक मूलतः देवास जिले के रहने वाले थे और कई गंभीर मामलों में वो बाल संप्रेक्षण गृह में सुधार गृह में रखा गया था उन्हें। खैर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।